गाइस, कैसे आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं ओट्स का आटा कैसे पीसती हूँ, कैसे बनाती हूँ, एवरीथिंग। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बेचारे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और वेट लॉस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि इससे प्रॉपर पूरा वेट लूज हो जाएगा, लेकिन हाँ कि जो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आप इसे रोज़ खाएंगे। जैसे आप नॉर्मल व्हीट का जो आटा खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं शुगर तो होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो ओट्स का आटा होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। आपका पेट भी फिल हो जाएगा, टमी फिल हो जाएगा, लेकिन आपको हैवी नहीं पड़ेगा वो, तो वेट उतना गेन नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी हेल्प करेगा वेट लॉस में। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखिए गाइस, मैं यूके में ये ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में तो कोई भी ओट्स का आटा चलेगा, कोई भी ओट्स चलेगी, पर बस मेक श्योर वो 100% जो है ना, 100% होल ग्रेन होना चाहिए वो, दैट्स इट। क्योंकि समटाइम यहाँ पे कुछ मिक्सिंग भी होता है तो वो ना लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 100% आपको लेना है। और इसके लिए आपको फ़िलहाल मैं पीस रही हूँ आटा, तो एक ये है मिक्सी, ये मिक्सी जार, और ये मेरा आटे का डब्बा, ठीक है, इसमें आटा भरने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखिए ये ओट्स का आटे का डब्बा खोल लिया है कोने से। अब इसको हम मिक्सी के जो जार है इसमें हम इसमें डालेंगे। गैस मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि मैं एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं देखिए ये काम कर रही हूँ, तो कोई भी थोड़ा ऊपर नीचे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है। इस नॉर्मल देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया जार में। अब मैं इसको नॉर्मल जैसे आप मिक्सी में पीसते हैं इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, विद इन सम सेकेंड्स ये आटा रेडी हो गया है और इसको हम ये डाल देंगे अपने आटे के बॉक्स में। और ऐसे करके ये मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ये 5 किलो आटा रेडी कर दूंगी। ओके गाइस, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए गाइस, फाइनली देखिए ये 5 kg आटा मैंने पीस लिया है। सी, वेरी इजी, जस्ट हाफ एन आवर के अंदर पूरा आटा पीस गया है, डब्बे सारे खाली हो गए हैं। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं इसका आटा कैसे बनाती हूँ और उसके बाद सॉरी आटा कैसे गूंथती हूँ, फिर रोटी कैसे बनाती हूँ। ठीक है गाइस, कंटिन्यू विद मी। हम चलते हैं आटा गूंदने के प्रोसेस में। तो ये है ओट्स का आटा जो मैंने गूंद के रखा हुआ है, बनाया था आपके सामने। अब देखिए मैं ये आटा ले रही हूँ और ये इस बाउल में डाल रही हूँ। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा और आटा लिया। ओके, अब देखिए गाइस, ये जो आटा है ना ये गेहूँ का आटा है, तो मैंने आप लगा लीजिए 75-25% मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि खाली जो ओट्स की रोटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क बन जाती है। तो अब इसको हम मिक्स करके गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको दोनों आटे को मिक्स कर रही हूँ। और सम टाइम आप नमक और तेल वगैरह मिलाते हैं, आप मिला सकते हैं, मैं नहीं मिलाती क्योंकि ऑलरेडी सब्जी का ऑयल होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मिलाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, मिला सकते हैं। और अभी हम ये देखिए, मैं जो है ना पानी जो है ना मैं गर्म यूज़ करती हूँ, आप हो सके तो गुनगुना पानी यूज़ कर लीजिए, मैं हॉट वाटर यूज़ करती हूँ कि इससे आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम करेंगे पानी मिक्स, नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि हमें गीला ना हो जाए आटा। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर रही, ये हॉट वाटर है याद रखिएगा, बिकॉज इसलिए मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूँगी, पहले ही मिल जाए पूरा अच्छे से। कुछ भी ऐसा डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही आपको ओट्स का आटा ये गूंदना है मिक्स करके गेहूँ के आटे के साथ। तो देखिए गाइस, अब मैंने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी पानी इतना गर्म नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें 2-4 बार गलतियाँ नॉर्मल हैं, तो प्लीज़ उसको ऐसा ना हो कि उससे फ्रस्ट्रेट होकर आप इसको बनाना छोड़ दें, क्योंकि मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, मैं भी फ्रस्ट्रेट हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करते ना वो प्रैक्टिस में एवरीबडी परफेक्ट। तो मैं परफेक्ट तो नहीं हुई लेकिन हाँ अच्छा आटा गूंद लेती हूँ, और आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, धीरे धीरे आपको वो भी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है और धीरे धीरे इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा। तो देखिए गाइस, इसको नॉर्मल आपको आटे की तरह ही गूंदना है, कोई अलग सा प्रोसेस नहीं होगा। और
इसको मैं गर्म पानी से इसलिए गूंथती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत सॉफ्टनेस लगती है, और अगर मैं नॉर्मल ठंडे पानी से गूंदूँगी ना तो थोड़ा ये हार्ड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो पता है ना ओट्स ऑलरेडी हार्ड होता है, तो इसको अगर आप गर्म पानी के साथ पीसेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपका आटा गूंद जाएगा। तो गाइस देखिए, ये मैं इसको धीरे 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 गूंद रही हूँ नॉर्मल तरीके से, और गर्म पानी से मुझे फ़ायदा मिला है। बाकी ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, और गाइस ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ही ओट्स का आटा यहाँ डालना है। आप ऐसा कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा रेशो, आप जैसे आप गेहूं का आटा है उसको 80% ले लीजिए, 20% ओट्स के आटे से स्टार्ट करिए, फिर धीरे 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 महीने दो महीने में उसका रेशो बढ़ाते चले आइए। इससे ना आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा और आप ओट्स की रोटी खाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। और इसको कोई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पानी में है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये देखिए, इसको मैं अभी 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रोटी में कैसे बनानी है। तो देखिए गाइस, इसको मैं अभी 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ हम रोटी कैसे बनाते हैं। गाइस ये मैंने आटा गूंद लिया, अब रोटी बना रही हूँ, तो गोली आप छोटी बड़ी जैसे आपको लगती है आप बना लीजिए। उसके बाद सेम एज़ यूजल प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है, इसमें थोड़ा आटा लगा के आपको ये रोटी बेलनी है। और ये जो ओट्स की रोटी होती है ना थोड़ी फट जाती है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, फाइन, वो थोड़ी बहुत फट जाती है। और सेम आप दोबारा से थोड़ा सा आटा लगा के जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। और ये देखिए, इसको ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, थोड़ी बहुत टूटती है फटती है वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ओट्स होता है ना वो बहुत टूट जाता है। तो देखिए, ये मैंने छोटी सी रोटी बनाई है, आप बड़ी छोटी बड़ी जो भी आपको साइज़ बनाना है वैसे आप रोटी को बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये रोटी हमने तवे पे डाल दी है और गैस मैंने थोड़ी कम ही है, कम की है क्योंकि समटाइम तेज़ गैस पे ना जल जाती है जल्दी से, तो थोड़ा कम कर दिया मैंने। और इसको नॉर्मल जैसे आप पलटते हैं वैसे आप पलटेंगे, तो देखिए थोड़ी सी ये हो गई है, तो मैंने रोटी पलट दी है और गैस को तेज़ कर दिया है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट एक तरफ से पक गई है। देखिए ओट्स की रोटी ऐसे नहीं नॉर्मल आटे की तरह नहीं फूलती है, तो मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसको मैं सेक रही हूँ, तो आप उसे हल्का हल्का प्रेस करके इसको सेक लीजिए। और ये कच्ची नहीं होती है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कच्ची रोटी है और ये आप ऐसे सूखा सा बन गई है। अब भी आपको कड़क लग रही है लेकिन जैसे अब ये हॉट केस में जाएगी इस पर घी लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऑलमोस्ट पक गई है हमारी रोटी, और इसको हम डाल रहे हैं अभी हॉट केस में थोड़ा सा नरम होने के लिए, और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे अभी। देखिए सारी सारी रोटियां जो हैं ये देखिए रेडी हो गई है हमारी, ये देखिए अब इस पर हम लगा रहे हैं घी। और ये देखिए अब ये पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, जो आपको कड़क दिख रही थी, तो उसको वन बाय वन आप चाहे तो मत लगाइए, लेकिन आई लव घी तो मैं ज़रूर लगाती हूँ अपनी रोटियों पर घी। ये देखिए, तो देखिए गाइस ओट्स की गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो गई है बनके हमारी, और अभी हम इसको करेंगे प्लेटिंग और बताएंगे खा के ये कैसी बनी है। हाँ तो देखिए गाइस, पहले बनाई है आलू की सब्जी और ये है हमारी गर्मा गर्म ओट्स की रोटी, और मैं आपको बताती हूँ इसको तोड़ के, लुक्स पे ना जाइएगा, ये आटे से ज़्यादा सॉफ्ट है आपकी, ये देखिए सो सॉफ्ट और सो यम्मी। तो गाइस अगर आपको मेरी ये ओट्स के आटे वाली रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओट्स की ये हेल्दी रोटी बहुत ही टेस्टी है, कोई फ़र्क नहीं होता, बट ये आपका जो वेट है वो बढ़ने देगी, सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइस प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ये लिख दीजिएगा कि आप कामयाब हो गए या फिर आपको अच्छी लगी, या जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप ट्राई करें तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।